लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी में इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें बरेली के उद्यमी भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने 18 जनवरी को बरेली के IMA हॉल में इन्वेस्टर समिट कराने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 4,000 करोड़ के निवेशक जुटेंगे। इसको लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में निवेश करने वाले उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि अब 3 से 4 दिनों में NOC भी जारी हो रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित 22 विभागों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट से बरेली में उद्योग लगने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, इसके साथ ही बरेली की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। टेक्सटाइल, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, बायो फ्यूल समेत तमाम क्षेत्रों में उद्यमियों ने निवेश करने की सहमति दी है। आपको बता दें कि अकेले फूड प्रोसेसिंग में 1130 करोड़ का निवेश होगा। वहीं DIG अखिलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि उद्यमियों की दिक्कतें दूर करने के लिए SSP कार्यालय में इन्वेस्टर सेल का गठन किया जा रहा है, जिसमें SP स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और इसको इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। उस संदर्भ में अभी यहाँ पे हमारे और DM महोदय द्वारा जिला उद्योग बंधु की बैठक ली गई। इसमें हम लोगों के हेडक्वार्टर द्वारा भी बताया गया है कि सभी जिलों में जो पुलिस ऑफिस है उसमें एक इन्वेस्टमेंट सेल बनेगा, कि जो भी इन्वेस्टर्स या उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी जो छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं जो पुलिस से रिलेटेड हैं, उनको तुरंत उसमें कार्रवाई हो, ताकि जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो बनाया जाए और इस जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इस संदर्भ में यहाँ पे पुलिस ऑफिस में एक इन्वेस्टमेंट सेल खोला गया है, जिसकी मॉनिटरिंग एक SP रैंक ऑफिसर करेंगे और उसका एक नंबर जारी करेंगे जो 24 आवर रहेगा। अगर किसी भी उद्योगपति को या हमारे छोटे व्यापारी को कोई भी दिक्कत है तो उसमें बताएगा। हम लोग 18 जनवरी को स्थानीय इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। उससे भी पहले आज हमारे बीच IIA, CCI और लघु उद्योग भारती और IMA के सारे प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे, जिनके साथ जनपदीय अधिकारियों का एक परामर्श हुआ। इन इन्वेस्टर्स की अगर कोई समस्याएं हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर फ्लैग किया, उनके समाधान तत्काल हम लोगों ने कराया है। निवेश मित्र पोर्टल पर जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उनकी समीक्षा की गई है। हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को हमारी जो समिट होने वाली है जनपदीय समिट, उससे पूर्व किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी NOC किसी भी विभाग के स्तर पर पेंडिंग न रहे, इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में इन चारों एसोसिएशंस ने, जिनके भी आपसे हमने चर्चा की, इनके प्रतिनिधियों द्वारा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उन लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल पर अपने इंटेंट फाइल किए हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म है, बायोफ्यूल है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, इन सारे सेक्टर्स में इस जनपद में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। टोटल संभावित इन्वेस्टमेंट अब तक हमारे पास लगभग 4000 करोड़ का है। मैं आशा करता हूं कि 18 तारीख तक और 10-12 फरवरी तक ये अभी इन्वेस्टर्स की संख्या और धनराशि भी और बढ़ेगी।